क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 2014 में आया हुआ 2 मार्च था और बहुत प्यारा बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इफ एस सी एफ ओ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 13F-30 फाइंड द वैल्यू एफ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन ध्यान से समझो कि 140 और 180 का जो SCF होगा वो इस फॉर्म में होगा, तो क्या करेंगे। देखो सिंपल सा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं सर दिक्कत हो रही है, देखो इसका SCF निकालेंगे, इसका जो SCF होगा उसको इसके इक्वल कर देंगे और उसको M वहां से M की वैल्यू निकाल देंगे। देखो कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, 144 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 से गया 72, फिर 2 से गया 36, फिर 2 से गया 18, फिर 2 से गया 9, फिर 3 से गया, फिर ये 3 से गया और ये 1, ऐसे 180 के निकाल लो, 180 के 2 से गया 90, फिर 2 से गया 45, 3 से गया 50, फिर 3 से गया 5 और यहाँ पे 1, ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको, SCF के लिए कॉमन कॉमन क्या है, SCF के लिए दोनों में कॉमन कॉमन क्या है, तो देखो मैं ध्यान से जो जो कॉमन है मैं उस पर सर्कल बनाता जा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। सर एक तो 2 कॉमन है दोनों में, बिल्कुल है। पहला सर एक और 2 कॉमन है दोनों में, बिल्कुल है। दूसरा सर एक 3 भी कॉमन है, बिल्कुल बना दिया। और एक और 3 कॉमन है, इसके सिवा कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, बस इनको लिख देंगे क्या क्या कॉमन है, 2 × 2 × 3 × 3। आई बात समझ में भाई, 2 ये कॉमन एक बार लिख दिया, 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 ऐसे करता है तो कितना आ जाएगा, ये 2 × 4 और 9 तो कितना आ गया, ये 36। अब देखो जो ये SCF है वही इसी के इक्वल है, तो कुछ नहीं करना है, 36 को लिख देंगे हम 13M-3 के इक्वल। आई बात समझ में, यही वो कह रहा है कि इसका जो SCF है वो इसके इक्वल है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। अब बस कुछ नहीं करना, इसको इधर ले आओ, 3 को इस 3 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 36 + 3 = 13M, तो यहां से कितना जाएगा, 39 = 13M। और हमें क्या करना है, M निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में है ऐसे, तो मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में, तो यहाँ इधर आ गया ये, तो कितना आ गया, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, M = देखो ये कट गया 3, 13 बन गया, 13 दिख गया, आ गया यही हमारा आंसर है। देखो दोनों हो गया, कितना प्यारा क्वेश्चन है, आ गया समझ में, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। ऐसा एक और क्वेश्चन है, वो है उसमें 65N-117N करके है, वो क्वेश्चन भी कराता हूँ, वो भी बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है, इसको नोट डाउन करो अच्छे से, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना और अच्छे से देखो। और मैंने इस सीरीज में पिछले 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका वीडियो आपको आई लिंक पे मिल जाएगा, ऊपर क्लिक कर लेना, देखो वो वीडियो के ऊपर में एक लिंक आएगा और वो भी आएगा, उस पर क्लिक कर लेना, डायरेक्ट आपको उस पर पहुंच जाओगे। सीरीज को देखो, मेरा वादा है इसके सिवा बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, मैंने बिल्कुल पूरा फोकस करके 7 साल के एक्सपीरियंस से आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैंने सारे पेपर एनालाइज किए, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2014 में 2 मार्क्स आया हुआ है, क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, शो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, कि इसका जो प्राइम फैक्टर है वो इस फॉर्म में है, तो हमें क्या निकालना है, P और Q की वैल्यू कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इसके प्राइम फैक्टर कर लो 2520, ठीक है, यहां देखो, ठीक है, ये 2 से गया तो कितना आएगा, 1520 आ गया, ठीक है, फिर ये 2 से गया तो कितना आएगा, 630, ठीक है, देखते रहना है, अपनी मिस्टेक होगी तो बता देना, ठीक है, 24 ठीक 630, फिर ये 2 से गया तो ये आएगा 6, 3 बारी में
ठीक है, फिर ये अब ये 3 से जाएगा तो 30 10 टाइम में और फिर t आ गया, ठीक है, फिर ये 3 से जाएगा तो कितना आएगा ये 9 3 टाइम में और 5, ठीक है, फिर ये देखो, फिर अब ये 5 से जाएगा तो यहाँ पे 7 आ गया और ये 7 आ गया, ठीक है। अब इसको एक साथ क्लब करके लिख देंगे, क्लब करके कैसे, 2 कितनी बार आ रहे हैं यहाँ देखो, 2 कितनी बार आ रहे हैं, 3, 2 भी 3 बार, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, पहले चलो पूरा लिख ले, पूरा लिख देता हूँ मैं, 2520 को मैसे मैंने प्राइम फैक्टर क्या है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जब भी बेस सेम हो तो यहाँ पे पावर 1 1 1, बेस सेम होती है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, आई बात समझ में, इंटू यहाँ देखो यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है तो 3 की पावर 2 इंटू 5 के साथ कुछ नहीं है और 7 के साथ कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब 1 1 पावर है। अब इसको इससे इक्वल कर दो, ठीक है, किसके इक्वल, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर t इंटू क्यू इंटू 7 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 × 7, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको कंफ्यूजन ना हो उसका भी तरीका बता देता हूँ, बहुत आसान सा, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, इसको कट कर दो, इससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, कट कर दो, मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमें किससे मतलब है, पी और क्यू से, तो देखो ध्यान से, यहाँ 3 है सर, बिल्कुल यहाँ 3 है, यहाँ 3 के ऊपर कितना है 2, तो यहाँ पे पी के ऊपर कितना होना चाहिए 2, या इसको ऐसे कट कर दो तो यहाँ पे पी लिखा है तो पी के किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, तो पी कितना आ गया, पी इक्वल टू 2, एक ही मिल गया हमारा पी। दूसरा देखो हमसे क्या पूछा है, क्यू, तो अब इस ओवरऑल में क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ 5 बच गया, यहाँ पे क्या बची है, क्यू बच गया, तो मतलब क्यू जो होगा वो हमारा 5 के इक्वल हो जाएगा, यही आंसर है, बोर्ड में आया हुआ है 2 मार्क्स का, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, समझ में, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा है, बस क्या है कि ऐसे क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस नहीं होती, तो एग्जाम में एक बारी में नए नए लगते हैं और हम हड़बड़ाहट में सोच नहीं पाते, कर नहीं पाते कि स्टार्टिंग कहां से लो, तो एक बार ये क्वेश्चन कर लिए आपके आंखों के सामने आ गए तो आप एग्जाम में इससे मिलता जुलता आप दूसरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो सबसे बड़ी बात है इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे से करो, बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है, वीडियो में और मैंने इससे पहले भी कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं नए नंबर सिस्टम के, प्रीवियस ईयर के, जाके देखो प्लेलिस्ट में चैनल पे, अच्छे से समझ में आएगा आपको, कोशिश किया है मैंने कि पूरे कंसेप्ट कवर कर सकें, ठीक है, नोट डाउन करो अच्छे से,